हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। स्वागत है आप सभी का मेक आईएएस पर। मैं मुकुल वाजपेयी। साथियों, आपको पता होगा आज यूपीपीसीएस इंटरव्यू का पहला दिन था और आज से यूपीपीसीएस 2018 के इंटरव्यू शुरू हुए हैं। 2018 के इंटरव्यू का पहला दिन था आज। आज कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी बड़ी मात्रा में पूछे गए हैं। इसके साथ में ऑप्शनल विषय को लेकर भी काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ में जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन है वो यहीं पर टिके हुए हैं, इसके अगल बगल में रहे हैं, इसके इर्द गिर्द में रहे हैं। इसके साथ में हम लोग फिर बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वह आता है कोरोना। कोरोना वायरस को लेकर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कोरोना में लेकर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह लॉकडाउन को लेकर पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि हाल ही में यूपी सरकार द्वारा या फिर कई सरकारों के द्वारा 2 दिन के लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, 2 2 दिन का लॉकडाउन शुरू किया गया है, इसका क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था कि यूपी सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए कौन कौन से स्टेप या फिर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो 2 पे ये पूछा गया था। इसके बाद में पूछा गया था मास्क को लेकर। इसमें पूछा गया था कि कौन सा मास्क सबसे अच्छा है और उसकी क्या क्या लाभ हैं, उस मास्क की क्या क्या प्रॉफिट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना को लेकर। ओके, तो ये कोरोना के संबंध में ये जानकारी। इसके बाद कोरोना को लेकर ही एक चाइना को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था, चाइना किस तरीके से कोरोना के लिए उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन थे जो कोरोना से संबंधित थे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह पूछा गया था, आपने देखा होगा इंडिया और चाइना के बीच में, अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर जो अभी टसल चल रही है उसको लेकर भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर इसमें जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काफी हावी रहा और बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके साथ में ये पूछा गया था कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, किस तरीके से खत्म हम इसको कर सकते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को। तो इंडिया चाइना को जो डिस्प्यूट है इसको लेकर, और साथ में इसमें जो एप्लीकेशन में बैन लगाया गया है उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऐप बैन हुई है उसको लेकर भी क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन है जो मुझे पता चले हैं जो इंडिया चाइना को लेकर पूछे गए थे। हो सकता है कि अन्य जो स्टूडेंट हैं उनको अन्य तरीके का प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन जो मुझे पता चला है वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप कल इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपसे भी संभवतः ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा इंटरव्यू ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899282107 पर व्हाट्सएप करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें हमने काफी सारे पीडीएफ दिए हुए हैं जो कि इससे संबंधित हैं, जो करंट अफेयर्स या फिर ट्रेडिशनल टॉपिक से संबंधित हैं। नंबर 3 पे जो टॉपिक पूछा गया था वो आपको एसडीएम को लेकर पूछा गया था। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर है, क्या इनकी जॉब अलग अलग है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये हरदम पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यूपीएससी को लेकर पूछा गया था। यूपीएससी का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, यूपीएससी से संबंध में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है, वो पूछे गए थे। नंबर 4 पे जो टॉपिक पूछा गया था वो विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर पूछा गया था। और विकास दुबे एनकाउंटर में पुलिस के क्या क्या रूल है एनकाउंटर से संबंधित, और ये एनकाउंटर उचित है या अनुचित है, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया था, जिससे कि आपका व्यू बने। अगर मैं बोलूं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा थे जहां पर आपको अपना व्यू देना था। तो आपको अपना व्यू डेवलप करना होगा किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो इंडिया चाइना हो, चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो। नंबर 5 पे आपको पूछा गया था जॉब प्रोफाइल को लेकर। अगर मान लीजिए आप अभी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आप डीवाईएसपी हैं, आप ए या फिर आप एटीओ हैं, आप किसी भी पोस्ट पर है, तो उसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है आपकी जॉब पर।
है, मान लीजिए कोई DYSP है, मान लीजिए कोई ऐसा है जो DPRO है, तो आपकी जॉब को लेकर क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है वो पूछा गया था। नंबर 5 में जो टॉपिक था वो थी गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी यूपी मनरेगा में जॉब देने वाला सबसे बड़ा राज्य या फिर सबसे पहला राज्य बन गया है, सबसे ज्यादा जॉब की है, तो मनरेगा को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मनरेगा को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष्मान भारत को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में जो इकोनॉमिक पैकेज है उसकी राशि पूछी गई थी। ठीक है, कि कितने सरकार ने कितने करोड़ का पैकेज अभी घोषित किया है, इसकी राशि पूछी गई थी। तो सरकार की स्कीम्स जो है उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो ये 5वां हो गया है। 6वें टॉपिक में जो पूछा गया था वो ऑप्शनल विषय को लेकर। ठीक है, और 6 में मैं आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको लेकर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपका कोई भी ऑप्शनल हो आप उसको प्रॉपर तैयार करके जाइए। लगभग इंटरव्यू में 30% वेटेज जो था वो ऑप्शनल पेपर का था। ठीक है, 70% में से अगर मैं बात करूं तो 40% करेंट अफेयर्स का वेटेज था, 30% आपका ऑप्शनल का वेटेज था, और 30% जो वेटेज था वह अन्य जो टॉपिक है कि SDM या फिर ई गवर्नेंस क्या है, या फिर जो सारे टॉपिक है जो करंट के नहीं है, ट्रेडिशनल है, उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये है जो आपका इंटरव्यू को लेकर रहा है पूरा कार्यक्रम, जो आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डेली 5-10 मिनट की वीडियो बनाकर आपको टॉपिक बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और डिपेंड रहा है इंटरव्यू के ऊपर, कई लोगों का इंटरव्यू 10 मिनट भी चला है जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, कई लोगों का इंटरव्यू 15 मिनट भी चला है। ठीक है, एक लड़की ने अभी जानकारी दी है कि उसका इंटरव्यू सिर्फ 8 मिनट ही चला है, तो 8 मिनट में पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर कि कितनी देर तक इंटरव्यू चल रहे हैं या फिर आप कितना बेहतर उत्तर दे रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फिर ये जो पूरी जानकारी आप इससे देख सकते हैं, अगर आपका आगे इंटरव्यू होने वाला है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका इंटरव्यू की आपको स्ट्रेटजी बनानी है। ध्यान रखिए कि आगे जो 10-15 दिन है, आगे आने वाले 10-15 दिनों में करंट अफेयर्स का वेटेज काफी मात्रा में रहेगा, तो इसको ध्यान रखकर ही तैयारी कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेक आईएएस का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।